नमस्कार दोस्तों, आज आप लोगों के बीच एक ऐसा होली गीत भोजपुरी का जो बहुत ही फेमस है, जो भोजपुरी का फोक है और जाने अनजाने में इस गीत को हर कोई गाते हैं। और ये गीत इतना पॉपुलर है कि गांव देहात में कस्बों में ये इतना पॉपुलर हो चुका है ये गीत, जो कि हर कोई चाहता कि इसे बजाएं। और इसको बजाने का तरीका कुछ खास नहीं है, बस थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। ध्यान देंगे तो आप बढ़िया से बजेगा। बेसिकली ये धुन जो है फगुआ का, ये धुन है होली का धुन है और ये बहुत फेमस धुन है। आइए थोड़ा सा सुनते हैं। हारमोनियम बजाने वाले जो लोग हैं या सिंगर हैं, उनको कन्फ्यूजन ये होती है कि ये कॉर्ड्स किस स्केल का गाना है। तो मैं तो बेसिकली अभी जी मेजर से बजा रहा हूँ। अगर आपको चाहे, अगर ये, हालांकि बेसिकली ये बी फ्लैट मेजर का गाना, ये है सॉन्ग्स है बी फ्लैट मेजर का है, लेकिन हर किसी की आवाज़ यहाँ नहीं पहुँच पाती है। किसी को प्रॉब्लम होती है, अगर वो ऊपर जाए तो आवाज़ किसी की क्रैक भी हो जाती है, जो कि वो गाने के लिए भोकल के लिए वो ठीक नहीं है। तो अगर आपकी आवाज़ वहाँ तक नहीं आ रही है तो आप हाफ नोट नीचे करेंगे, या ए मेजर आएंगे या जी मेजर आएंगे, वहाँ तक भी नहीं जा रहा है एफ शार्प जाएंगे, एफ शार्प मेजर आएंगे, उससे भी नहीं आ रहे थे एफ मेजर में गाएंगे। आपको जहाँ सोचे तो आपकी गायकी के अनुसार जो आपका जहाँ आपको आपका गला सूट करता है आप वहाँ से बजा सकते हैं। और ये जी मेजर का जो स्केल है ये बहुत ही ये सिंपल है, ना ज़्यादा ऊपर है ना ज़्यादा नीच, ज़्यादा स्लो में है, ये बीच का है, ये बहुत ही स्लो मोशन का है। आप चाहे इसको बजा सकते हैं। अब इसमें नोट्स कौन सा लग रहा है, नोट कीजिए, ये नोट्स कौन सा लग रहा है, पहले जी, फिर लग रहा है ई, फिर जी, ए, बी, सी, फिर ये ई। तो कैसे बजाएगा, बहुत सारे लोगों की प्रॉब्लम होती है कि बहुत ये कमेंट बॉक्स में अक्सर ये आता है कि बहुत फास्ट बजता है। फास्ट नहीं होता है, ये सफाई है, फिंगर्स की सफाई है, और इसे आप जितना प्रैक्टिस करेंगे वो उतना आपसे भी फास्ट हो सकता है। ऐसा कुछ नहीं है कि केवल हमसे ही हो रहा है, आप लोग अगर मेहनत करेंगे उस हिसाब से आपका ये फिंगरिंग चाहिए तो आपसे भी ये फास्ट हो सकता है। तो ठीक है, ये इस परेशानी को दूर करने के हम धीरे से बजाएंगे, बताएंगे कैसे धीरे से बजता है। दो बार क्लिक करना है, नोट लग रहा है जी ई जी ए बी सी फिर बी फिर ये ए जी, ये बज रहा है। अब इसका अंतरा देखेंगे,
यहाँ क्या हुआ, ये अंतरा में बजाए, ये स्केल हो गया आपका सी मेजर, फिर उसके बाद जी, फिर उसका एफ, एफ फिर जी, नोट लग रहा है अंतरा में जा रहा है, ये ई डी ई, डी ई सी, फिर बी, फिर ए, फिर जी, ये इस के गाना गाना हो गया। और किसी को प्रॉब्लम होती है कि नहीं हमको ये ओरिजिनल से बजाना है, बहुत सारे लोग कमेंट्स बॉक्स में करते हैं कि सर हमको ओरिजिनल कॉर्ड्स क्या है, ओरिजिनल कॉर्ड से बजाइए बजाइए, तो ओरिजिनल कॉर्ड्स इसका ये है, ये फ्लैट मेजर से, यहाँ से ये बजा के देखेंगे, क्या कोर्स, इसमें क्या नोट्स लग रहे हैं, पी फ्लैट, फिर जी, फिर बी फ्लैट, फिर सी, फिर डी, फिर ई फ्लैट, फिर ये एफ। ये आपका ये मुखरा हो गया, इसमें नोट्स ऊपर जा रहा है, जी जी और ए, एफ जी नोट जा रहा है, एफ जी, फिर बी फ्लैट, ई फ्लैट, फिर ये नोट ये आ जाएगा डी सी, फिर बी फ्लैट, ये बी फ्लैट से हो गया। और हम लोग जी मेजर से बजा रहे थे, तो जी मेजर से देखें, ये अपने अपनी चॉइस है, आपको जहाँ से अच्छा लगे यहाँ से बजा सकते हैं, जी से बजा सकते हैं, ए से बजा सकते हैं, बी फ्लैट से बजा सकते हैं, जहाँ आपका आवाज़ सूट करे या जहाँ आपको आपको आसानी हो वहाँ से गा सकते हैं। ऐसा कोई बंधन नहीं है कि बी फ्लैट है तो बी फ्लैट से ही गाएंगे, जी मेजर से नहीं गा सकते, गा सकते, क्यों नहीं गा सकते, आपकी आवाज़ अगर वहाँ तक आपकी गला जहाँ तक सूट कर रहा है गाने में वहाँ से गाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, गा सकते हैं। अगर आपको लगता है कि नहीं हम मेरी रेंज अच्छी है तो मैं बी फ्लैट से गाऊंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, रही बात स्केल की, सही स्केल की, तो बहुत सारे लोगों की प्रॉब्लम होती है कि सही स्केल क्या है, ये सही स्केल है बी फ्लैट मेजर का, ये एक सॉन्ग से, लेकिन अपने सहूलियत के अनुसार हाफ नोट नीचे करके बजाएंगे, ये जैसे बी फ्लैट है उसको ए मेजर में बजा सकते हैं, या जी मेजर में बजा सकते हैं, या एफ शार्प में बजा सकते हैं, अगर आपकी आवाज़ जहाँ तक आपकी सूट करती हो, आपकी आवाज़ सूट करने के ऊपर निर्भर करती है, इस हिसाब से ज़्यादा दोस्तों ये आप इसको देखिए, ध्यान से देखिए और बजाने की कोशिश की, और कोई प्रॉब्लम हो फिर से बताइए, आप फिर से कमेंट बॉक्स बताइए, आपके आपकी बात को ध्यान में रखेंगे। ठीक है दोस्तों, नमस्कार।